और साथ में आधे सोते हैं सेटअप और एक कैमरे के सामने, वो देखो वो क्रॉस बना वहाँ पे। ये भी ऑडिशन तो करके बहुत जल्दी तुम्हें तो मूवी में मुंबई बुला रहे हैं। बाकी पता नहीं माम इन दूसरी जाति की लड़की के दगड़ शादी कर लिया। वाह ये माँ हंस क्यों रहे हो? अबे तो आप सभी को नमस्कार, स्विच स्वाइल यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग काफी अलग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक गढ़वाली पिक्चर के ऑडिशन में और देखना है मेरे को कि गढ़वाली पिक्चर का ऑडिशन होता कैसा है, इसलिए दादी को भी साथ ले आएंगे। चलो चलो देखना है, आप भी ऑडिशन देना। ऑडिशन क्या हुआ? टेक केयर मतलब पिक्चर में पिक्चर में आपको हीरोइन बनाएंगे ना? अब बनाएंगे, मतलब हीरोइन की माँ बनाएंगे। नहीं नहीं माँ नहीं बनाएंगे, हीरोइन की दादी बनाएंगे। दादी तो बोल। हाँ चलो हीरोइन की दादी। ना ना दादी नहीं बन रही। अरे बढ़िया रोल होगा आपका। अभी नहीं बन रही अभी मेरे बाल। विग लगाएंगे आपको? विग काली वाली? ना काली वाली भी नहीं लगाने। चलो अरे बढ़िया एक्टिंग करोगे मुझे पता है आप। अच्छी होगी तो तब दूसरे दिन ले जाना। अच्छा ठीक है, चलो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। दवाई नहीं लाना? दवाई भी लाऊंगा आपके लिए। हाँ और साथ में जो ऑडिशन कर रहे हैं वो मेरे मित्र हैं, तो इसलिए मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया था कि भाई होते कैसे हैं गढ़वाली पिक्चर का ऑडिशन। तब यहाँ पे पहुंच गया था और यहाँ पे हमारे व्यूअर भी मिले और यहाँ कंटेस्टेंट भी थे ऑडिशन देने के लिए। तो कैसे रहा? बढ़िया था भैया, ऑडिशन तो काफी मस्त था। पहले थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही थी मेरे को। मुंबई बुला रहे हैं? बाकी पता नहीं, देखते कब कॉल आती है कि आप मुंबई आ रहे हैं। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश असवाल और मैं कोटद्वार से हूँ। जैसे आपको सब पसंद करता था, एक बार सबको जरा टेक केयर बोल देता था बहुत प्यार से। और अरे यार अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपके गांव में सोचो बैल ये गाय गाय से इंट्रोड्यूस करवाओ अपने गाय को। हाँ तो अभी मैंने अपना ऑडिशन दे दिया है और यहाँ पे जिन्होंने ऑडिशन लिया है यहाँ पे भाई हैं। मेरा नाम वासुदेव है। मेरा नाम ऋषभ है। तो आप दोनों गढ़वाली हैं? हाँ जी। सोनो गढ़वाली? तो गाँव है आपके? मेरा गांव टेहरी में गंचाली की तरफ। अभी आप? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी के वहाँ कहाँ? एजेंसी से ना, एजेंसी शॉप। अच्छा मेन पौड़ी के वहाँ। थोड़ा नर्वस था मैं। अरे बहुत अच्छा करा भाई, अरे तो मेरे कोई लाइन याद नहीं होती है। कोई बात नहीं, तो मैं इनको बोल रहा था मुझे कुछ भी बोल दो मैं बोल दूंगा, पर वो जो स्क्रिप्ट दे रखी थी वो याद नहीं हो रहा था मेरे को। पर आप अच्छे से अभिनय कर सकते हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हाँ डायलॉग थोड़ा है कि वो याद नहीं होता बस, पर मतलब इंटरेस्ट तो है मेरा कि कैमरे के सामने कुछ ना कुछ मिले। अब वो ये जैसे जैसे चांस मिलेगा वैसे वैसे लाइनें भी आदत रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। करते रहना, ये ऑडिशन का एक्टिंग का देख करते रहो तो अपना आप हो जाएगा। और साथ में आधे सोते हैं सेटअप, ये दो लाइट्स लगा रखी हैं और एक कैमरे के सामने, वो देखो वो क्रॉस बना वहाँ पे और वहाँ खड़े हो गए बड़े करके एक्टिंग करनी है। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी ऑडिशन दे के मैं वापस आ गया था और घर जा ही रहा था, तब तक वहाँ पे मैंने देखा मैडम भी आ रखी थी ऑडिशन देने के लिए। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दे जरा खुद ही। मेरे को पहचानते होंगे लोग? नहीं पहचानते होंगे। मैं, मेरा नाम है स्वाति भट्ट और मैं एक कोटद्वारी रहती हूँ। मैं ना गढ़वाली शॉर्ट मूवी बनाती हूँ मतलब काम करती हूँ उनमें और सॉन्ग गढ़वाली सॉन्ग वगैरह में। अभी भी हम ऑडिशन दे के आ रहे हैं। तो मैडम बहुत सारे यूट्यूब चैनल में शॉर्ट मूवीज में काम करती हैं, रोल करती हैं, तो बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे। कुछ लोगों के दिमाग में होगा अरे हाँ देखा तो है कहीं, पर अब याद आ गया होगा कि कहाँ देखा है। और कई लोग ऐसे नहीं पहचान पाते ना मेरा, हाँ, नहीं, ऐसा रहता। हाँ तो उसमें वही अब काफी मेकअप वेकअप लगाया होता है, यहाँ बिना मेकअप के देख रहे हो आप। तो आज आप तो हाँ, ये भी ऑडिशन तो करके बहुत जल्दी तुम्हें तो मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ। और बहुत बड़ी मूवी में सीधा भयंकर वाली है। उसके बाद मेरे भाव बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। वो बहुत ज्यादा यार। तभी हम दुर्गापुरी आ रखे थे कबाब खाने के लिए क्योंकि स्वाति ने बोला कि यहाँ पे मोमो अच्छे मिलते हैं, तो मैंने कबाब देखा, मैंने बोला कबाब तो मेरे फेवरेट है तो मैं कबाब खाऊंगा। साथ में मैंने बोला अगर मैं पिक्चर में रोल करने लग गया ना तो बाद में मेरे भाव बढ़ जाएंगे, फिर क्या पता मैं खाऊं ना खाऊं, तो इसलिए मैंने बोला अभी खा लो अगर खाना है तो। उसके बाद क्या खाओगे? उसके बाद मैं फिर मिलूंगा नहीं ना। हाँ फिर क्योंकि मेरा मुंबई आना जाना रहेगा तो फिर मैं आ नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं मिल नहीं पाऊंगा। इसलिए जिसको मिलना है मिल लो जल्दी जल्दी
दादी दादी हीरो बन गया। खुद फोन जा एक पुन दूंगा अब दूंगा अब तो मैं घर ही आया हूँ। ना ना तो एक पुन क्यों फोन जी पहले को गया धो लूंगा अभी धो लूंगा पहले सुन तो लो। उन्होंने बोला तेरे को हीरो तभी बनाएंगे अगर तू अपनी दादी को लाएगा तो को बना जो गढ़वाली पिक्चर बना रहे तो मेन के हो जाऊंगा दिखने नहीं होता कब तो आपको तो बोलना है सिर्फ क्या आप कुछ देखो ना देखो आपको बोलना है क्या बोलना जैसे मैं आपका लड़का हूँ और मैंने नाचे बोल पिक्चर में तो कुछ भी हो सकता है ना तो मैं आपका लड़का हूँ और मैंने किसी दूसरी जात की लड़की से शादी कर ली तो मैं ऐसे आ गया तो मैं ऐसे आ गया घर माँ 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 मैंने दूसरी जात की लड़की की दगड़ ब्याह कर लिया। कहाँ बोल रहा कहाँ बोला तू माँ मैं अरे हंस क्यों रहे हो अब माँ अरे तो आप मेरी माँ हो ना यही समझो ना पिक्चर में हो ना पिक्चर में तो कोई भी किसी का भी माँ बन जाता है तो हम नहीं बनते। माँ मैंने दूसरी जाति की लड़की की दगड़ शादी कर लिया वाह ये माँ हंस क्यों रहे हो अबे कविता गाड़ी में बैठी हो गाड़ी में बैठे हाँ ले आओ मैं अंदर ले जा बार मार फोड़ अपना लोगे उसे हेमा हेमा अरे रोनी से बाबू को अकेली लदर में खजरा नहीं था नहीं अकेली बैठी चा इकोली बैठी रोनी से कौन रोनी च अपने ये सोने कंगन पहना दोगे उसे हाँ है ठीक है ना देर दो लेंगे खोपेर माँ चलो भाई अभी फिलहाल खाने का समय हो गया चलो तो आप सभी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ में मैंने कल आपको एक चीज बताना भूल गया था कि ऑडिशन में जाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सबके सामने जितने भी लोग आ रखे हो सबके सामने वो ऑडिशन ले रहे हो तो ऐसा नहीं है अलग कमरा है बड़े करके जैसे कि मैंने दिखाया था तो वहां पे अलग से ऑडिशन होता है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी थी तो मेरे से तो स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही थी तो मैंने बोला आप एक काम करिए प्लीज आप मेरे को कोई भी सिचुएशन दे दीजिए तो आप दूसरा कैरेक्टर बन जाइए मैं एक कैरेक्टर बन जाता हूँ फिर आप मेरे से वहाँ से कुछ बोलिए और मैं यहाँ से बोलूंगा मतलब अपने मन से जो भी मेरे डायलॉग्स आएंगे कुछ भी थोड़ा फनी वे में मैं बोलता रहूंगा और आप उसको सुनते रहना हाँ और फिर आप जज कर सकते हो कैसे एक्टिंग करी। और साथ में पहले मैं सोच रहा था कि बस वो देखेंगे हमारी एक्टिंग और फिर जज करके पेपर में लिख देंगे कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है ये चीजें बेकार है पर लेकिन मैं मेरे दिमाग में नहीं था कि वहाँ हर चीज रिकॉर्ड होती है और वो बाद में जाके देखेंगे जब सबके ऑडिशन हो जाएंगे तब वो एक करके सबको देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है ये बंदा में मजा नहीं आया या उस टाइम पे मजा नहीं आया था लेकिन अब वीडियो में अच्छा लग रहा है ये तो इसलिए ये भी मेरे को आइडिया नहीं था तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई मेरे को। और साथ में कोटद्वार से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफी बंदे आएंगे लेकिन ज्यादा आए नहीं मुश्किल से मुझे लग रहा 20 लोग आए होंगे शायद 20-22 लोग आए होंगे तो इसलिए पता नहीं शायद लोगों को पता नहीं था या फिर क्या हुआ एक कंटेस्टेंट तो दादी नहीं आई है ना वैसे जो एज ब्रैकेट था वो था 18 साल से 55 साल तक का तो दादी तो ऊपर चली गई नहीं नहीं दादी तो 17 साल की है अभी। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी साथ में मैं आज सोच रहा हूँ दोबारा अपने गांव जाने की वहाँ पे अपना वही कमरा वमरा सेटअप करना है तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस बार थोड़ा खाना बनाने वाला सामान लेना है अगर आप नए हो बिल्कुल तो सब्सक्राइब करना चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल देन बाय बाय टेक केयर ये पगड़ी उतर गई ये पंडित उतर गया टेक केयर।